स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 से है, ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्राइंगल एबीसी, जो राइट एंगल है बी के ऊपर, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसको फाइंड करेंगे, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बन जाएगा 24 स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, इसका भी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो 625। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 25, मीन्स ये जो हाइपोटेन्यूज है वो गया 25। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इजी वे होता है, इजी फॉर्मूला है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। पहला सोना जो है वो साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए, मीन्स साइन की जो रेशो आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है 7, जब एंगल ए की हम बात करें एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। कॉस जो हो जाएगा वो जाएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस केस में बेस अपने पास 24 है और हाइपोटेन्यूज है 25। अब हम सेकेंड आते हैं साइन सी और कॉस सी, मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो सी होगा, तो एंगल सी आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं कि एंगल, क्योंकि हमें ईजी होता है, हम एंगल को नीचे ले आते हैं, तो एंगल सी यहाँ आ जाएगा, बी और ए ऊपर चला जाएगा। तो अब एंगल सी की बात है, इसका मीन्स ये सामने परपेंडिकुलर है, लेकिन ए बी 24 है, बी सी 7 है और ये 25 है। तो हम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, कॉस सी मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉस सी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरे पास 7 है, 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, और साइन सी जो आएगा, साइन सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब इसके इसमें परपेंडिकुलर 24 है, तो जाएगा 24 ओवर 25। तो ये वैल्यूज़ हैं इनकी, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंगल बदले गए हैं, यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पे एंगल ए है। थैंक यू।